Lovely bubblies, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys, we're watching BB Gavines and it is Angry Master G part 16. Yes guys, Angry Master G part 16. We've done all the other ones and you guys know we've enjoyed all the other ones. And I did say not so long ago when we'd done this old BB Gavines video just last year, some days back, that, you know what? He's doing all this stuff, and you know what? Why we don't know when he's gonna do the next BB Gavines video or Angry Master G video, but we hope that he does it. Doesn't matter where he is, he could still be all those people, and you know, and he done it. He started the new year with it. Like, sorry, your mind, see. Yeah, well, yeah. Maybe he listens to the last, you know what? Video. He listens to his fans. Yeah, which we're one. Obviously, we've more or less gone through quite a lot in the time period that we've had. We haven't followed him for 6 years, but for the time that we have, and you guys introduced us, we have. I was gonna say, guys, if you haven't seen the original video, please go and watch the original video first. Give it a like, give it a view, make sure you do that, then only afterwards come back and watch this video with us. You know, that's what I always say. Golly, it's been ages since I've been able to say that as well. So, new year, new start. Guys, if you're new to our channel, don't forget to like, share, subscribe. Also, check out our other channel, which is called Our Touch. Links will be in the description below. And we've got another channel called Stephen Street. Again, I'll stick the link below. It's a total different channel, different stuff. People keep on going and do some stuff about, you know, yourselves and all that. So, hey, we're starting. You know, just check it out. Good you should. Yeah. Let's check this one out. ¿Qué es eso? Le creo. खाना खा लिया? जी. और वो जो बनियान सूखने डाली थी, सूख गई. बनियान कहाँ डाली सूखने? ना ना छेद वाली बनियान. नहीं नहीं छेद मेरी कच्चे. लेकिन आपको कैसे पता? दाढ़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है. छू के बताना जब वक्त मिले. अरे नेकी और मूछ मूछ. अरे क्या कर रहे हैं आप? आप ही ने तो बोले कि दाढ़ी छू के बताइए. अरे फोन पे हूँ, फोन पे. सॉरी, मैं बाद में बात करता हूँ. अरे वो दिखाई नहीं, ये दूसरा झुमका कहाँ गया? मेरा कुत्ता निकल गया. आपके पास कुत्ता है? घर पे कुत्ता काफी नहीं था, बच्चों ने कहा एक और चाहिए. ओ, कुछ भी खा जाता है. ये वाले कान का ईयरफोन निकल गया. अब डेली बैठ के उसके हगने का इंतजार करता हूँ. वो इंस्टाग्राम पे रीले बनवाइए, उससे रोज हगेगा. एक हफ्ते पहले मेरी बीवी की गिफ्ट की हुई चकाचक व्हाइट शर्ट खा गया. उसके बाद से धीरे धीरे एक दो बटन हगे जा रहा है. परसों जाके कॉलर हगा है. ओहो, फिर तो वो शर्ट कोई काम की नहीं होगी. पहनी तो हुई है, नहीं पहनता तो बुरा मान जाती. सफेद शर्ट थी सर, आपने अभी बोला, मेरे दिमाग में फिक्स हो गया है. अरे टट्टी का रंग मिक्स हो गया है. आओ आओ आओ, बताओ कौन कौन. ओ चाय पानी वाला है ना वो वॉइस. वही किस्मत बदलने का वेट करते हैं. हाँ भाई, तुम आगे का क्या सोचा है? क्या करना है करियर का? मेरा प्लान थोड़ा अलग है, हटके है. अच्छा, कितना हटके है? रेगिस्तान में ऊंटों के दांत मांझने या बुड्ढों के पोते सुलाने? नहीं, बंदर के गोटे खुजाने? नहीं सर. फिर बकवास बातों में पीएचडी करनी है, छिछली हरकतों में डिप्लोमा? नहीं नहीं, इसको नेता नहीं बनना, तू खुल के बता ना. सर, आई वांट टू बी एन एक्टर. आई वांट टू बी एन एक्टर. एक्टर बनना है? हां.
तो इटैलिक्स में क्यों बात कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो। और ये ख्याल कैसे आया? मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। कैसे लगेगा? पूरा दिन इनके हाथ में हथियार होता है। तू खुलेआम हिलाने लगा है क्या? फोन पे बात कर रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे नए नए ट्रेंड देखते रहते हैं। देश में क्या ट्रेंडिंग है ये नहीं मालूम, लेकिन इंस्टाग्राम के सारे ट्रेंड मुंह जबानी आते। अभी कुछ हफ्ते पहले वो चल रहा था नो नट नवंबर। नो नट नवंबर सुना सुना क्या? अक्टूबर की आखिरी रात को रंग तो गंवाना, क्योंकि नवंबर से नहीं हिलाना। ये भविष्य है हमारे बच्चों का। ये पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम घंटों के हिसाब से। अरे हमारे जमाने में हम बाहर जाके खेल कूद करते थे, एक्टिविटीज करते थे, लेकिन ये इन्हें रील बनाने से फुर्सत ही नहीं है। अभी परसों एक बच्चा क्लास में डस्टर पे फोन टिका के, हाँ मैं बाजीगर, मैंने गर्दन पकड़ी, बोला पहले होमवर्क कर। और तो टीचर लगी हुई है स्टाफ रूम में, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अरे बहन वहाँ क्लास में बच्चे बुला रहे, वहाँ जा। सर मैं रील्स देखता हूँ, लेकिन एक्टिंग और गिटार प्रैक्टिस इनकी। अरे मैं दिन में एक घंटा बांसुरी बजाता था। किसकी? अपने खुद की। फ्लेक्सिबल है। अरे इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। बता ना तुझे नशा का कितना शौक है। केड़ा नशा? लग गई लग। क्या फूकते हो? चरस, गांजा, डाइल्यूटर, वाइटनर, फिनाइल, पेट्रोल, डीजल। तमीज से बात करना मेरे बेटे के बारे में। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्या नशा करते हो बेटा? अरे नशा जो अंतरिक्ष में जाते हैं, नासा। हाँ हाँ नासा, इसको छोटे छेद का बहुत शौक है। मुझे भी। अच्छा ओजोन लेयर की बातें कर रहे हैं? अरे सर इसको बहुत शौक है अंतरिक्ष का, इसके लैपटॉप में देखा है मैंने, वो जो फोल्डर है ग्लोरी होल और ब्लैक होल नाम का। ओह माय गॉड। अरे ऐसे कैसे गलत पढ़ा, मुझे अच्छे से याद है फेमस गजल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है फिशिंग नाम का, मछुआरों पे रिसर्च कर रहा है बेटा। फिशिंग होता है, स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लियो। और तो और ही क्रिकेट एक्सपर्ट भी बन सकता है। वर्ल्ड कप हारने के गम में हमारी टीम की पावर प्ले बैटिंग पे रिसर्च कर डाली। वो क्या है फोल्डर का नाम? हाँ कम शॉट। साइबर कैफे नहीं चलाता मैं, तेरी माँ, तू और मैं, हम तीन लोग रहते हैं घर में, किसका होगा लैपटॉप? आप दो मिनट रुकिए। हाँ भाई तुम बताओ क्यों बनना है एक्टर? सर मैं हमेशा से खुद को एक बड़े पर्दे पर देखना चाहता था। हाँ तो एक बड़ा पर्दा खरीद लो, टांग दो दीवार पे, फोटो चिपकाओ, निहारते रहो खुद को। नहीं मतलब खुद को टीवी पे देखना चाहता था। हाँ ये चल रहा है आजकल देश में, बकवास बातें कर लो बेटा, अपने आप आ जाओगे टीवी पे। फिर आप क्यों नहीं आए अभी तक? क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, शिक्षा देना मेरा काम है, टीवी पे आना नहीं, आनंद के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ मैं। आनंद के घर वाले मान जाएंगे? मानसिक भी नहीं रखते। और सर मुझे लगता है मैं फाड़ दूंगा पर्दा। नहीं नहीं एक्टिंग, और कोई वजह एक्टिंग की? पापराजी, मैं तो राजी हूँ बेटा। नहीं नहीं पापराजी जो पापराजी। हाँ हाँ देखा है मैंने पापराजी का इंटरनेट पे, ये लोग वही है ना जो औरतों को पीछे से रिकॉर्ड करते हैं और पूछते हैं पहचान कौन। अरे क्यूआर कोड थोड़ी लगा है वहाँ, सत्यानाश कर रखा है, फेस दिखाओ ना फेस। इट्स ऑन इंस्टाग्राम एवरी टाइम। ये बात ही जानते हैं कि लोग देखना खुली छाती चाहते हैं, पूरी दोपहर एक ही वीडियो डालते हैं, कौन जिम जा रही है, कौन जिम से आ रही है। दोपहर को कौन जिम जाता है? मल्ला बिदकना जरूरी है, लेकिन खबर पूरी है। मैंने सुना है वहाँ ड्रग्स भी लेते हैं, माया जाले बेटा वो। हाँ बुरी आदत है, लवड़े बता के नहीं लगते। सर अब जो करते हैं वो तो करते ही है ना, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। इनफैक्ट अब ना शूटिंग सेट पे प्लास्टिक यूज नहीं होता, क्योंकि सारा मुंह पे यूज होता है बेटा। और आपको पता है वहाँ पे वो भी होता है, वो कास्टिंग काउच, मतलब आगे से न्योता आता है पीछे से। है जी फर्ज कीजिए मैं कास्टिंग वाला हूँ, आप एक्टर हैं, पूछिए। सर मुझे अपनी फिल्म में रोल देंगे? पहले लेंगे क्या? अरे छोड़िए, मान लीजिए आप सब्जी लेने गए और बदले में सब्जी वाले ने आपका गाजर मांग लिया। अगर मेरे पास गाजर ही नहीं हुआ तो? अरे आप समझ नहीं रहे वहां पे। पॉपुलर सो सीधा साधा इस फेस। सेक्सुअल फ्लेवर मांगते हैं? कौन सा फ्लेवर? काला खट्टा भाई साहब अपने को कहेंगे? समझ ही नहीं रहे आप? हाँ जी है क्यों मैं? अरे इतने भोले मत बनिए, दुनिया कच्चा निकल लेगी आपको। सर मैं अपने टैलेंट के दम पे घुसूंगा, देखिए। oh, no. नहीं इंडस्ट्री में। हाँ ना, बता सर। एक सीरीज में छोटा सा रोल मिला। कौन सी सीरीज? ताजा खबर, अभी 6 जनवरी को आने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। सीरियस हो? सर मेरी कोई बैकिंग नहीं है, लेकिन पैशन में भी लैकिंग नहीं। वाह अभी सही डायलॉग बाजी शुरू है। लेकिन कुछ काम करो तो ऐसा करना मन लगा के, बनना है तो शाहरुख खान जैसा बनना। अभी कौन सी फिल्म आ रही है? इरफान पठान। पठान हाँ हाँ काम करो तो ऐसा करो, देखो कितनी बातचीत है। सर उनको 30 साल हो गए। हाँ तो मुझे भी 31 साल हो गए। हाँ क्या उखाड़ लिया इन्होंने? बहुत कुछ उखाड़ा है, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अपने स्कूल में रोज ड्रामा करता था मैं।
उसको रणदीप रोना कहते हैं। अरे थिएटर का हिस्सा था, पचीनो बुलाते थे मुझे, हाजमे की गोली। एल पचीनो एक्टर है मशहूर। और सर आप थिएटर करते थे? मेंटर था। कौन से अस्पताल में? अरे मेंटल नहीं, मेंटर, सिखाता था। अब छोड़ दिया है तो फिर कुछ करके बताइए ना सर। ये पकड़ो फोन और तुम एक्सप्रेशन देखना, सीखने की कोशिश करना, आप ही देखिएगा। अगर इतना ही आता है तो फुल टाइम एक्टिंग क्यों नहीं करी? शादी जब से हुई है कुछ नहीं कर पाता ना, अपने मन का टीवी देख पाता हूँ ना, खा पाता हूँ ना पी पाता हूँ, आप तो समझ सकते हैं। मतलब मेरा ही दही खट्टा है। उठो, घर पे बच्चे संभालो, फिर यहाँ बच्चे संभालो, यहाँ रहो, प्रिंसिपल की किटकिट, घर जाओ वहाँ उसकी किटकिट। हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है संडे की, उसमें भी दो तीन मेट्रो बदल के 55 किलोमीटर दूर जाओ अपने सास ससुर से मिलने के लिए। मैंने उनको बोला दो हफ्ते के लिए आप ही तरह जाइए, कहते नहीं हमारे जोड़ों में दर्द रहता है। अरे आठ आठ औलादे करेंगे तो जोड़ों में क्या दर्द तो रह गई। फिर जब सोचता हूँ कि आज का दिन आराम करूंगा तो घर के सारे नल के लीक होने शुरू हो जाते हैं। फिर बीवी कहती है प्लम्बर बुला लो। अब वो महानुभव आएगा तो मुझसे पूछेगा पाना है, पक्कड़ है, अरे ये सब मेरे पास होता तो आपकी क्या जरूरत थी भैया। रात में फुटबॉल वर्ल्ड कप ऐसे देख रहा था जैसे ब्लू फिल्म हो, छुप छुप के, क्योंकि टीवी नहीं चला सकते कमरे में, बीवी की आंखों पे रोशनी पड़ती है, नींद टूट जाती है। और जब मैं सो रहा होता हूँ तो ऐसे दरवाजे खुलती है जैसे सीआईडी की दया हो। ठंड में टॉयलेट में जाके मैच देख रहा था, कमोड़ इतना ठंडा चूतर सूख पड़ गए। 3 महीने पहले बीवी कहती कहीं घुमाने नहीं ले जाते, तो मैंने कहा चलो चलते हैं शिमला ले गया। अभी एक हफ्ते पहले फिर कहती कहीं घुमाने नहीं ले जाते, अरे मैं ट्रैवल एजेंट हूँ क्या? इतना धरती नहीं घूमती जितना वो घूमना चाहती है। पूरा दिन वो ट्रैवल ब्लॉग देखती रहती है। अब उसको थाईलैंड में वहां जाना है, कौन सी जगह है? फीफी आइलैंड। आंटी को सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो फीफी आइलैंड। आपकी वाइफ का वीडियो कॉल आ रहा था तो मुझे लगा उनको आपकी एक्टिंग दिखा देता हूँ, लेकिन आप थोड़ा वादा आगे निकल गए। चलो पापा चलते हैं, चलते हैं। हाँ, सर ताजा खबर आएगी 6 जनवरी को, देख लीजिएगा। हाँ कमोड़ पे बैठ के। हेलो जान, तुम्हारी जान मैं निकालती हूँ। मैं किट-किट करती हूँ, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, बच्चों को दिखा रहा था। शादी के बाद सिर्फ शिमला का वीजा लगवा रखा है और बोलते कितना घुमाऊं। तू घर आ, उनको बोलो नई फिल्म आई है देखने जाएंगे। नई फिल्म लगी है? नई फिल्म लगी है देखने जाएंगे। हाँ कौन सी कौन सी? उतार के जॉकी, उतार के जॉकी, डाल दो लौकी, डाल दो लौकी। And yeah guys, Taza Khabar, 6th of January, not long to go, so do check it out. It's great that, you know what, all these big time actors and stars, they go and do all their advertisement machinery from YouTubers and other people promote our films. And then you've got Bhuvan who does his own machinery on his own channel. So multi-talented, so acting there, creating there, still doing his own, like, you know, Angry Master G and going, hey, guess what's coming out? But yet still entertaining, all fun. You were going to say? Yeah, I'm surprised you weren't going to point out a few things. I was, but then I thought, because, you know, just like, Odi Bhatti Sundi Sigi and Bhatti Fekhi Hunda, you know, so I can't say anything, can't agree. I think they've heard it many times themselves. So it seems like it's all the same story. Yeah, maybe you need to go on our other channel, like I said, Stephen Sri. It's all about that kind of stuff. You know, things that you got to do and things that you got to change and things that you had to change no matter what. And survived to tell the tale. Yeah. Anna? Guys, that was fun, that's enjoyable. It was nice to see all the characters there again, so doing what they do. Lovely, and fresh. And yeah, and in the way that he done it, like, you know, that was, yeah, bravo. Awesome. Anyway, guys, that was the video. Let us know what you guys thought down below. Don't forget to like, share, subscribe, and we'll see you on the next one. Take care, see you soon. Bye. Bye.